नया चैप्टर करेंगे एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी छोटा वाला चैप्टर है, इजी वाला चैप्टर है। चलो पहले नाम ही लिख लेते हैं क्या क्या कवर करना है। जैसे बैंकिंग कंपनी में बात किए थे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नंबर वन, प्रोविजनिंग नॉर्म। नंबर वन प्रोविजनिंग नॉर्म, नंबर टू इनकम रिकॉग्निशन, नंबर थ्री वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर फोर कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट ओन्ड फंड NOF। तो ये चार टॉपिक्स कवर करना है हम लोग को। बट टॉपिक में जाने से पहले, सिंस नया सा नाम है एनबीएफसी, पहले समझते हैं होता क्या ये। तो प्रोविजनिंग नॉर्म में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनबीएफसी के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है एनबीएफसी। चलो एक बार कंसंट्रेट करना आप लोग बाद में, क्योंकि हम डायग्राम का हेल्प से आपको समझाएंगे, तो एक बार बोर्ड का तरफ कंसंट्रेट करना, फिर बाद में लिखने का काम कर लेना। ये लो मान लो कि एनबीएफसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या फीचर्स होना पड़ेगा व्हेन वी टॉक अबाउट एनबीएफसी। सबसे पहला बात, ये कंपनी होना पड़ेगा। और कंपनी कब बोलते हैं इसको, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट। फर्दर इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के अंदर भी इसको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसका कम से कम कैपिटल, ये फिर नेट ओन्ड फंड 200 लाख होना होता है। तो तीन मेन फीचर्स का बात किए। फर्स्ट, इसको एक कंपनीज एक्ट के अंदर तो ऑलवेज रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फर्दर इसको आरबीआई एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसका कम से कम नेट ओन्ड फंड कितना होना पड़ेगा, 200 लाख रुपया। आप 2-4 लाख रुपया से नहीं कर सकते एनबीएफसी। अब है क्या, ऑब्वियसली ये भी लाइक अ नॉर्मल कंपनी, ये भी लाइक अ नॉर्मल कंपनी जो अपना पैसा लाएगा बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल्स एंड बोरोइंग, बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो बैंक्स होता है, जो हम लोग करके आ गए बैंकिंग कंपनी,
बैंकिंग क्या करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, करेंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, एक तरह से आप लोग हम लोग से पैसा ले रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि बैंक डिमांड डिपॉजिट्स लेता है। इसको क्या बोलते हैं, बैंक क्या लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आपका पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है या किसी के पास पड़ा हुआ है, अगर कल मांगोगे तो कल देगा वो, 10 दिन बाद मांगोगे तो 10 दिन बाद देगा, 100 दिन बाद मांगोगे तो 100 दिन बाद देगा, जो कि हम लोग का सेविंग अकाउंट का फीचर्स होता है। क्या ये टर्म डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट ले सकता है? नहीं, सबसे मेजर डिफरेंस बैंकिंग कंपनी के साथ यही है एनबीएफसी का, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता है, ये आपका सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता है। ये जो पेमेंट और सेटलमेंट का सिस्टम होता है ना, जो चेक इशू करना और इस पार्टी को ट्रांसफर करना, वो ये नहीं कर सकता है, एनबीएफसी के स्कोप के बाहर है। यही तो मेजर डिफरेंस है बैंकिंग कंपनी और इस कंपनी में। लेकिन टर्म डिपॉजिट्स होता है ना, क्या होता है टर्म डिपॉजिट? टर्म डिपॉजिट मतलब कुछ टाइम के लिए, 20 मंथ के लिए पैसा रख दिए, 6 मंथ के लिए पैसा रख दिए, ये 2 साल के लिए रख दिए, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये ले सकता है? बोलता हाँ ये ले सकता है, अगर ये परमिशन लिया था वाइल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, टर्म डिपॉजिट लेके रख सकता है। सारा का नाम सुने हो ना, सारा जो डूब गया एनबीएफसी, जो जिसका सीईओ जेल में है, तो वो भी तो यही था, पब्लिक लोग से क्या लेता है, कभी सारा में इन्वेस्ट हो सकता है, आपका पेरेंट्स लोग से पूछना कभी किया होगा, बहुत नामी कंपनी था इंडिया का, वो क्या करता था, मंथली एक एक अमाउंट लेता रहता था पब्लिक से और बोलता था 5 साल तक पैसा दो, उसके बाद हम लोग 5 साल के बाद इतना पैसा दे देगा। तो वो डिमांड डिपॉजिट है कि टर्म डिपॉजिट है? टर्म डिपॉजिट है, 5 साल के बाद पैसा मिलेगा। तो अगर टर्म डिपॉजिट लेने का परमिशन लिया एनबीएफसी तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास पैसा कहां से आया, कैपिटल से आया, बोरोइंग से आया, टर्म डिपॉजिट से आया, अब ये पैसा का क्या करेगा, ये पैसा का क्या करेगा, बहुत सारा काम में लगा सकते हैं। बैंक का तरह ये भी क्या करते हैं, लोन्स देते हैं, एडवांसेस देते हैं, ये भी पैसा को शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका पैसा का यूटिलाइजेशन। ये फिर एसेट्स को फाइनेंस करवा सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज एंड लीजिंग में दिलाएगा आपको एसेट्स को। पता ना, हम लोग व्हीकल खरीदने जाते हैं तो जो व्हीकल कंपनी है वो फाइनेंस नहीं करता है, दूसरा कंपनी फाइनेंस करता है, तो बैंक कर सकता है फाइनेंस, उसी तरह से ये एनबीएफसी भी क्या कर सकता है, आपको फाइनेंस दे सकता है, एक तरह का लोन एंड अदर सिमिलर फंक्शंस, अदर सिमिलर फंक्शन। तो मतलब एनबीएफसी का सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस बैंकिंग कंपनी के साथ यही है कि इसमें पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं होता है, यहां कोई सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट नहीं होता है। अब सुनो, हम अभी अभी बोले थे कि टर्म डिपॉजिट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन के वक्त परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये देखो, हम वापस एक और डायग्राम बना रहे हैं, सेम नंबर 1 रजिस्ट्रेशन अंडर किस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया, नंबर 2 आरबीआई एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया, और नंबर 3 हम बोले नेट ओन्ड फंड कितना होना पड़ेगा, 200 लैक्स। 3 एरो लेके आए पैसा के लिए, 1, 2, 3। डिमांड डिपॉजिट कभी नहीं ले सकते, शेयर कैपिटल्स एंड बोरोइंग्स के थ्रू तो पैसा उठाएगा ही लाइक अदर कंपनीज, टर्म डिपॉजिट नहीं ले सकते, ये टर्म डिपॉजिट नहीं ले रहे, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं किया। ये भी वही चीज है, अपना वेरियस सोर्सेज में पैसा को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एडवांसेस दे रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस में, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में, एसेट्स को हायर परचेज और लीजिंग में फाइनेंस कर रहे हैं, और अदर्स। दोनों में डिफरेंस कितना है, बस ये बोला टर्म डिपॉजिट हम नहीं लेगा, ये बोला कि टर्म डिपॉजिट लेगा। जो टर्म डिपॉजिट लेता है उसको हम लोग एनबीएफसी डी बोल देते हैं, डिपॉजिट लेगा, डी लगा हुआ रहता है, और अगर ये टर्म डिपॉजिट नहीं लेगा तो एनएफसी नॉन डिपॉजिट, तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, एनएफसी एनडी है, दैट इज ये नॉन डिपॉजिट लेगा। मतलब एक तरह से हम बोला जाता है कि बड़ा वाला कंपनी है, इन लोग क्या है, बिग कंपनी है, और जो टर्म डिपॉजिट नहीं लेता है वो एक तरह से माना जाता है कि वो क्या है, स्मॉल कंपनी है।
मुथूट फाइनेंस नाम सुने होगे, एग्जांपल ऑफ एनबीएफसी, बड़ा वाला कंपनी है, ये डिपॉजिट लेता है पब्लिक से। अब देखो ये छोटा कंपनी है ना, लेकिन ये भी तो धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा ये कंपनी बड़ा हो गया? ये जो एडवांसेस है, सीएस है, एचपी है, लोन्स है, ये इस कंपनी के लिए एसेट्स है क्या लाइबिलिटी है? एसेट्स है, ये तो पैसा दिया है। तो चेक किया जाता है, अगर इसका एसेट साइज ग्रो होते होते 500 करोड़ तक पहुंच गया, ये उससे ज्यादा हो गया, तो ये कंपनी बड़ा बन चुका है। तो मतलब एनडी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या? अगर इसका 500 से ज्यादा एसेट्स सिस्टमैटिकली नॉन सिस्टमैटिकली, ये सब नॉलेज दे रहे हैं, सम्स में कोई काम नहीं आएगा। एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट सिस्टमैटिकली बड़ा हो चुका है कंपनी व्हेन इस एसेट साइज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितना बन चुका है? 500 करोड़। अगर इसका एसेट साइज लेस देन 500 करोड़ है तो उसको बोला जाता है बीबी, वो क्या है? नॉन सिस्टमैटिकली है। अब बोलोगे फर्दर ये सब क्यों किया? तो सुनो, बड़ा कंपनी के लिए ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो छोटा कंपनी के लिए क्या होगा? कम रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। जैसे ही उसको 500 करोड़ क्रॉस हो जाएगा तो इसको भी ये वाला रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही इसका कितना करोड़ हो जाएगा एसेट साइज 500 करोड़, तो इसको भी कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा? ये वाला ज्यादा टफ रूल्स होगा। जैसे कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का रूल्स क्या होता है? ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। और अगर वो लिस्टेड हो जाएगा तो और ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। क्या प्राइवेट कंपनी को सब रूल्स फॉलो करना पड़ता है? नहीं। तो उसी तरह से एनबीएफसी अगर डिपॉजिट है, ये एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट लेकिन वो क्या बन चुका है? सिस्टमेटिकली, तो फिर उसको भी ज्यादा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। और ये नॉन सिस्टमेटिकली मतलब छोटा कंपनी है, इन लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा, इन लोग को ज्यादा रिजिड रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता है। बना लो तो इसको। नहीं, उस टाइम पर फंड के बेसिस पे होता है, फंड के बेसिस पे होता है, बट वो सब रिक्वायरमेंट, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल हम NOF 200 लाख लिख दिए, अब वो छोटा छोटा बहुत सारा बात है, हम अपना ट्रैक से बाहर नहीं निकलना चाहते। 200 लाख है ना, अगर कंपनी 1999 से पहले बना था और पहले रजिस्टर्ड हुआ था तो उस टाइम पर 25 लाख ही था। हम आज का बता दिया, आज नया कंपनी बनेगा तो कितना होना पड़ेगा? 200 लाख। आरबीआई के अंदर क्या रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है? ये तो लाइन हम नीचे लिख देंगे, नहीं कंपलसरी नहीं है। बोलोगे क्यों? तो अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवा लिए, अब बोलेगी कि हम ये सब बिजनेस नहीं करेगा, सिर्फ इंश्योरेंस का बिजनेस करेगा, लोन देने का बिजनेस नहीं करेगा, क्या करेगा? सिर्फ इंश्योरेंस का बिजनेस करेगा। अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस करोगे तो आरबीआई को क्या लेना देना है? बोलता कि आईआरडीए के अंदर जाके रजिस्टर्ड करवाओ, तो उस केस में आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होगा, किससे होना पड़ेगा? अगर आप बोलोगे हम सिर्फ सीएस एंड सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग करेगा और कुछ नहीं करेगा, तो फिर आरबीआई का क्या लेना देना है? आरबीआई बोलेगा कि सेबी के पास जाओ, रजिस्टर्ड करवाओ, तो उसके लिए फिर अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। तो हम आपको बस एक सामने बैकग्राउंड ला दी।
अकाउंट लिख दिए, आदत होती है ना अकाउंट लिखने का, कंपनी एक्ट। क्या चीज है? डीएनडी नहीं है, एंड अच्छा ये एनडी, डिमांड डिपॉजिट्स, शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग्स, टर्म डिपॉजिट। एनडी मतलब नॉन डिपॉजिट कंपनी है, और डी लिखा हुआ रहेगा मतलब डिपॉजिट कंपनी है, डिपॉजिट ले सकते हैं। रेडी है यहाँ तक? ऊपर वाला पार्ट हम मिटा रहे हैं, मतलब ये पता चला कि एनबीएफसी आर ऑफ टू टाइप्स, एनबीएफसी डिपॉजिट तो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टमैटिकली नॉन सिस्टमैटिकली। तो लिखा हुआ ही है, चलो क्यों लिखे, सिस्टमेटिकली नॉन सिस्टमेटिकली, ये आपको रिपीट करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या याद ही तो रहेगा। इफ एसेट साइज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 करोड़, इफ एसेट साइज इज लेस देन 500 करोड़, इस दोनों के लिए, मतलब तीन तरह का कंपनी हो गया, इस दोनों के लिए सेम प्रूडेंशियल नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम प्रूडेंशियल नॉर्म, थोड़ा ज्यादा टफ नॉर्म्स, डिफरेंट प्रूडेंशियल नॉर्म्स, डिफरेंट प्रूडेंशियल नॉर्म्स, थोड़ा इजी वाला।
सेम प्रूडेंशियल नॉर्म, जस्ट ऐसे अपना समझने के लिए पता चलना चाहिए ना क्यों ये दोनों बड़ा कंपनी माना जाता है, क्योंकि ज्यादा हो गया ना इन लोग का, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टफ नॉर्म्स है इन लोग के लिए, इन लोग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन टफ है, इन लोग को ज्यादा फॉर्मेलिटी फिलअप करना पड़ेगा, और ये सिंस छोटा कंपनी है तो इन लोग का नॉर्म्स क्या होगा, इजी वाला होगा। जैसे कि कंपनीज में हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज का रूल्स एंड रेगुलेशन इजी होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, टफ होता है, ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। दो ठूक सिंपल बात करते हैं कि कहीं ऊपर से आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इज रजिस्ट्रेशन अंडर, इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी अंडर कंपनी एक्ट, क्या कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा? यस, करवाना ही पड़ेगा, कंपनी तो बनना ही पड़ेगा उसको। इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी अंडर आरबीआई एक्ट? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। अभी अभी बात किए क्यों, एग्जेम्प्टेड अंडर सर्टेन सिचुएशन, सब बार आरबीआई ही नहीं ध्यान रखेगा, एग्जेम्प्टेड अंडर सर्टेन सिचुएशंस, जो कि अभी हम एग्जांपल्स में बता रहे थे नॉलेज के लिए। अगर ये एनबीसी बोलेगा कि हम कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ हम क्या चीज का काम करेगा, इंश्योरेंस का, तो आरबीआई बोलेगा फिर मेरे पास मत आओ, फिर किसके पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ, आईआरडीए के पास। अगर ये बोलेगा कि हम सिर्फ शेयर से रिलेटेड काम करेगा, हम और कोई काम नहीं करेगा, तो फिर आरबीआई बोलेगा कि सेबी के पास चले जाना। ये लो, अगर थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो रिफर पेज नंबर, रिफर पेज नंबर, बट पूछता नहीं है ये सब थ्योरी कभी, हम बताते हैं। टू फोर्टी एट मेरे पास जो बुक है, देखो तो 248 में एक थ्योरी है क्या, निकाले पेज 248? नहीं, मेरे को तो मेरा पेज के हिसाब से दूसरा दिखाई दे रहा है। हेडिंग में कंपनीज एक्सेप्टेड फॉर्म रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई 248 में है, ठीक है, आगे पीछे होगा आपका बुक में वो पेज नंबर, ये जी, ये 246, किसी का 246 में है, किसी का 248 में है। टॉप में कंपनीज एग्जेम्प्टेड फॉर्म रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई मिला ना, देखो क्या लिखा हुआ है, डॉट डॉट देखे, जैसे कि हम बता रहे थे लास्ट थ्री डॉट में आता, लास्ट थ्री वाला, इंश्योरेंस कंपनी बनोगे तो फिर किसके अंडर चले जाओगे, आईआरडीए के अंदर, तो उसी तरह से लिखा हुआ, अगर आप ये कंपनी बनोगे तो फिर आरबीआई बोलता मेरे पास मत आना, उसके पास चले जाना। याद करने का कुछ नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। चलो अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल टॉपिक में आते हैं, जो हम लोग को सम से रिलेटेड कवर करना है। पेज नंबर 246 या 248 जिसमें भी है वो अपना नॉलेज के लिए लगाया हुआ है। चलो अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या था, प्रोविजनिंग नॉर्म। अब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या करके आ चुके हैं इससे रिलेटेड, बैंकिंग कंपनी तो बस वही है। एडवांसेस को फोर टाइप्स में क्लासिफाई करना है, एडवांसेस को फोर टाइप्स में क्लासिफाई करना है इसको भी, और फोर टाइप्स आप लोगों को पता ही है अब क्या क्या होता है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स।
स्टैंडर्ड एसेट, कब बोलते हैं स्टैंडर्ड, वही सेम क्राइटेरिया है, नॉट एनपीए अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बनाए तो। स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा अगर वो एनपीए बन चुका है, बट कब तक रहेगा एनपीए अप टू कितना मंथ्स था, 12 मंथ्स। सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल एसेट्स में आ जाएगा अगर वो एनपीए बने हुए उसको ग्रेटर देन 12 मंथ्स हो चुका है, और लॉस एसेट्स में आने का टाइम नहीं होना होता है, बल्कि क्या आइडेंटिफाइड होता है, चाहे मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड करे, चाहे ऑडिटर, चाहे आरबीआई। स्टैंडर्ड एसेट्स, चलो इस साल से इसका रेट बैंक के साथ मिल गया, इस साल से मिला है 0.4, इससे पहले 0.35 था, तो एक चीज अच्छा हो गया कि रेट आपका सेम है स्टैंडर्ड का। तो याद है ना बैंक में कितना था, 0.4, यहां पर भी 0.4 है, लेकिन इससे पहले 0.35 था। आप लोग को पास जो बुक आया हुआ होगा उसमें 0.35 होगा, हो सकता है 2018 के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा 17-18 उसमें 0.4 कर दिया गया है, उससे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना था 17 का उसके लिए 0.35 था। सब स्टैंडर्ड याद है, वहां दो टाइप्स में क्लासिफाई करते थे, कुछ नहीं है, इजी है, यहां कहीं नहीं, 10% डायरेक्टली 10% है। डाउटफुल को क्लासिफाई किया गया यहां पर भी, लाइक बैंकिंग कंपनी, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड यहां पर भी इजी है, चलो उसी तरह से है, अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, अप टू 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स, सेम वही है, अप टू 1 ईयर्स, मोर देन 1 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स, कितना कितना रेट था वहां। यहां अलग है, 20%, 30%, 50%, वहां 25 से स्टार्ट हुआ था, बट ये नहीं है यहां। अनसिक्योर्ड में चलो से 100%, और लॉस में तो ऑलवेज 100%। अब ये ज्यादा डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग बैंकिंग कंपनी में करके आए हैं इसको। तो 0.4%, 10% और इधर 20, 30, 50, 100%, 100%। अब सुन लो दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंज, एक तो 0.4% लिखे ना यहां एस्टिक मार्क दिए, 0.4% में एस्टिक मार्क दिए। इफ एनबीएफसी इज नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है, इफ एनबीएफसी इज नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब नॉन सिस्टमेटिक में चला गया ना ये, तो बड़ा वाला कंपनी है क्या छोटा कंपनी है, तो उस केस में प्रोविजन का अमाउंट भी कम रखने के लिए बोला हुआ है 0.25%, और सब सेम है, और सब जगह सेम है, चाहे सिस्टमेटिकली हो चाहे नॉन सिस्टमेटिकली हो, सिर्फ एक चेंज है कि ये 0.4% का तरह कितना लेना है, 0.25%, अगर वो नॉन सिस्टमेटिकली है तो। बस ये वर्ड को हाईलाइट रखो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सेंटेंस जब देखोगे तो इंपॉर्टेंट बोलते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, बस आप इस वर्ड को ध्यान रखो ना, अगर नॉन सिस्टमेटिक के अंदर है तो उसका कितना होगा, 0.25। एनपीए याद है हम लोग यहां लिखते थे कि कब एनपीए बोलेंगे, एनपीए कब बोलेंगे, क्या था वहां,
आउट ऑफ ऑर्डर कितना 90 डेज था ना, अकाउंट बिकम आउट ऑफ ऑर्डर या 90 डेज नहीं लिखते हैं, इफ अकाउंट्स बिकम आउट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है लेकिन थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, 3 मंथ्स और 90 डेज में डिफरेंस होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब बोला जाएगा, अगर अकाउंट क्या हो गया आउट ऑफ ऑर्डर, 90 डेज नहीं है, कितना मंथ है 3 मंथ्स। अगर यही चेज इस बार हैश टिक मार्क नहीं देके हैश मार्क देते हैं, अगर वो छोटा वाला कंपनी है, अगर वो छोटा वाला कंपनी है, इफ एनबीसी इज नॉन सिस्टमेटिकली, तो उसकी इसमें एनपीए का क्राइटेरिया 3 मंथ्स का जगह इन लोग को ज्यादा रिलैक्सेशन मिल गया 6 मंथ। वापस वही कि अगर वो नॉन सिस्टमेटिक है, मतलब नॉन सिस्टमेटिक होने से ओवरऑल डायग्राम में 2 जगह चेंज है, अगर छोटा कंपनी है तो एक चेंज ये है कि 0.4 नहीं होगा, कितना होगा 0.25, वो चेंज तो वैसे हम लोगों को काम नहीं आएगा सम सॉल्व करते वक्त, क्योंकि ये सब तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। बस नॉलेज के लिए एनपीए 3 मंथ्स में नहीं होगा, उस केस में एनपीए कितना मंथ्स में होगा 6 मंथ में। रेडी है, अभी प्रोविजनिंग नॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, ये प्रोविजनिंग नॉर्म का ए पार्ट था एडवांसेस, अब इसका बी पार्ट, अगर आप हायर परचेज और लीजेस के लिए फाइनेंस दियो तो उस केस में प्रोविजन कैसे बनेगा। ये ए पार्ट चल रहा था, रब कर रहे हैं अब हम इसको। बी कब अप्लाई होगा, ये हायर परचेज एंड लीजेस के लिए, हायर परचेज एंड लीजेस से रिलेटेड अगर फाइनेंस है, हायर परचेज एंड लीजेस से रिलेटेड फाइनेंस है। अब इसमें फर्दर 2 पार्ट है, नंबर 1 एक बेसिक प्रोविजन, 2 बार प्रोविजन बनाना पड़ता है, एक को बोलते हैं बेसिक प्रोविजन तो दूसरा को बोलते हैं एडिशनल प्रोविजन। बेसिक प्रोविजन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अभी तक कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ड्यू हुआ है बट रिसीव्ड नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंस्टॉलमेंट Not yet due, installment not yet due, higher purchase ही leases में installment में बात होते हैं। देखो 3 तरह का installment होता है, due होके received हो गया, due हुआ received नहीं हुआ, और third होता है अभी तक due नहीं हुआ। तो जो due होके received हो गया वो तो पैसा मिल ही चुका है, उसके लिए क्या provision बनाएंगे, installment due हुआ but not received, ये फिर installment जो अभी तक due ही नहीं हुआ है, इसमें आपको लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, मतलब ये वाला इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको अलग कर दो क्योंकि वो अभी तक ड्यू हुआ ही नहीं है। ऑब्वियसली कोई एसेट्स को सिक्योरिटी में लेके रखियो, जो हायर परचेज में एसेट्स खरीदा वही सिक्योरिटी है, तो उसको आपको उसका नेट बुक वैल्यू लेना पड़ेगा, नेट बुक वैल्यू, ये फिर इसको दूसरा नाम क्या होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, एट द रेट ऑफ 20% बाई SLM,
तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ बेसिक प्रोविजन. सम्स लेके अप्लाई करना सीखेंगे. चलो एक बार देख लेते हैं, कोई टिपिकल वैसा कुछ नहीं है. देखो क्या कैलकुलेशन कर रहा है. हाँ बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको अपना तरीका है. इसका बोलता है कि जितना इंस्टॉलमेंट ड्यू होके रिसीव हो गया उसको तो लेना ही नहीं है, वो तो आ गया पैसा, लेकिन इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ बट क्या हुआ अभी तक रिसीव नहीं हुआ. ये फिर जो इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है तो उस दोनों का टोटल निकाल देना. अब सिंस जो ड्यू हो चुका तो वो तो इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए, तो उसको इंटरेस्ट को माइनस नहीं करने बोले. जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ उसका इंटरेस्ट को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो. अब एज अ सिक्योरिटी जो एसेट्स खरीदा है उसका सिक्योरिटी रहता है ऑलवेज, तो हम लोग बोल रहे हैं उसका नेट बुक वैल्यू ले लेना. व्हाट डू यू मीन नेट बुक वैल्यू? जितना कॉस्ट था माइनस डेप्रिसिएशन. तो जब डेप्रिसिएशन लोगे तो कौन सा मेथड से लेना है? स्ट्रेट लाइन. और कितना रेट? 20% यहां पर है ना. मैं ये मतलब 3 साल हो गया तो आपको 3 बार माइनस करना पड़ेगा. अगर 4 साल है तो 4 बार माइनस हो चुका है. 20% पर एनम पीए वर्ड यूज कर लो, कोई फ्लैट रेट नहीं बोल रहे. ये क्या चीज निकला अभी आपका? बेसिक प्रोविजन. इसके नीचे हम वहां लिख देते हैं एडिशनल प्रोविजन. एडिशनल प्रोविजन मान लो 2 कॉलम है, दो कॉलम का तरह ऑपरेट करना है. एक दो मतलब हाफ हाफ पार्ट. लीज, रेंटल और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू. लीज, रेंटल और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू परसेंटेज ऑफ प्रोविजन ऑन नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट. लीज, रेंटल और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू. लीज, रेंटल और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू अगर अप टू 12 मंथ्स ओवरड्यू, अप टू 12 मंथ्स. ये लो ओवरड्यू यहां लिख लो, नहीं तो फिर ओवरड्यू अप टू 12 मंथ्स. अगर सिर्फ 12 मंथ्स ओवरड्यू हुआ है तो कुछ भी नहीं, कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, निल. ओवरड्यू मोर देन 12 मंथ्स अप टू 24 मंथ्स तो 10%. ओवरड्यू अप टू 12 मंथ्स है तो कुछ नहीं है. अगर ओवरड्यू हुए मोर देन 12 मंथ्स हो गया बट अप टू 24 मंथ्स है तो 10%. ओवरड्यू तो यहां क्या लिखेंगे? मोर देन 24 मंथ्स बट अप टू 36 मंथ्स. 30% बढ़ता रहता है, ये याद रखने का तरीका. 40% ओवरड्यू मोर देन 36 मंथ्स अप टू 48th मंथ 70%. Overdue more than 48 months 100%. तो
थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, देखने में लग रहा बहुत कुछ लिख दिए, लेकिन याद रखने का तरीका एक सीक्वेंस में मूवमेंट हो रहा, 12-12 मंथ्स का, 12 से स्टार्ट हुआ 24, 36, 48, लास्ट हो गया। और इधर याद रखने के लिए तरीका, जहां से स्टार्ट होगा उसके बाद कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, 30%, 10 से स्टार्ट होगा, 10 से 40, 70, 100, ये लो सामने लिख चुके हैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, इससे रिलेटेड हम लोग सम्स करने वाले हैं। ये प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट चल रहा था हम लोग का, रेडी है, कंप्लीट है। एक टॉपिक और लिख लो तो, नंबर टू, छोटा वाला ही तो टॉपिक है, सेम याद है ना, बैंकिंग कंपनी में इनकम रिकॉग्निशन करने का क्या तरीका था, इनकम रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट रिकॉग्निशन, वो परफॉर्मिंग एसेट्स हो सकते हैं तो वो क्या हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग, इनकम रिकॉग्निशन, अगर परफॉर्मिंग है तो एक्रुअल बेसिस, और अगर नॉन परफॉर्मिंग है तो कैश बेसिस। अगर अच्छा वाला अकाउंट है, अच्छा वाला क्लाइंट है तो एक्रुअल बेसिस पे, और अगर खराब वाला अकाउंट है, खराब वाला क्लाइंट है तो जब पैसा देगा तब इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। कोई डायरेक्ट सम नहीं है क्योंकि इतना इजी वाला सम्स होता है, बस एक सम्स के अंदर यूज होगा ये। अब आ जाओ बुक में, अब हम लोग दो तीन टुक सम सॉल्व करते हैं, दो टॉपिक और है वो बाद में ऐड ऑन करते हैं। जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से इस चैप्टर को इंटर में लाया है, नहीं तो उससे पहले ओल्ड सिलेबस में ये नहीं था, पहले सीए फाइनल में था, बट इतना इजी वाला चैप्टर है इसलिए ला दिया इंटर में। आज जो एक्सरसाइज में सम नंबर वन, वो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो थ्योरी लिखा हुआ हम कॉपी में लिख लिए हम लोग। नंबर वन, व्हाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March 2017, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैज इट एडवांसेस क्लासिफाइड एज फॉलो, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल्स अप टू वन ईयर, मोर थ्री ईयर्स, मोर देन थ्री ईयर्स, अनसिक्योर्ड पोर्शन, दिया हुआ सब कुछ। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस एज पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अगर वो किस तरह का कंपनी है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपोजिट, तो नॉन सिस्टमेटिक है तो बस फर्स्ट वाला रेट चेंज होगा, 0.4 का जगह क्या लेना है, 0.25, और फिर वापस आपको बोलते हैं अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी सिस्टमेटिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो बस एक रेट चेंज होगा, 0.25 का जगह कितना हो जाएगा, 0.4। दो बार सम सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार पॉइंट नंबर वन के हिसाब से और एक बार पॉइंट नंबर, चलो करते केस नंबर वन, केस नंबर वन के हिसाब से। एज यूजुअल फोर कॉलम्स, जैसे बैंकिंग कंपनी में सिखाए थे, एज यूजुअल फोर कॉलम जैसे आपको बैंकिंग कंपनी में सिखाए थे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन, रुपीज इन लैक्स, एसेट्स, अमाउंट, प्रोविजन परसेंटेज, अमाउंट ऑफ प्रोविजन,
एसेट्स, अमाउंट, प्रोविजन परसेंटेज, अमाउंट ऑफ प्रोविजन। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स 16,800, सब स्टैंडर्ड एसेट्स 1,340, डाउटफुल एसेट्स सिक्योर्ड, अप टू 1 ईयर 320, मोर देन 1 ईयर अप टू 3 ईयर्स 90। मोर देन 3 ईयर्स, डाउटफुल एसेट सिक्योर्ड, अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स, 320, 90, 30। डाउटफुल एसेट्स में अनसिक्योर्ड 97, लॉस एसेट्स 48। ये लो क्वेश्चन लिख लिए। केस नंबर वन कौन सा वाला है? केस नंबर वन में नॉन सिस्टमेटिक, तो ये 0.25, ये 10%, 20, 30, 50, 20, 30, 50, 100, 100। केस नंबर टू गैप रख लो, इतना ही अपने आप कर लेना, बस एक रेट चेंज होगा। ये 0.25 नहीं होके कितना हो जाएगा? 0.4 बस, और तो सब सेम है। तो इतने स्पेस रख लो, हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। गैप छोड़ दो कि इसी के नीचे आ जाएगा केस नंबर टू। केस नंबर टू बोल के गैप रख दो। सम नंबर टू, इस बार ये सम्स एग्जाम में आ गया, सेम कॉपी पेस्ट था विथ ऑल डेटास। पीपल फाइनेंशियल लिमिटेड इज एन एनबीएफसी प्रोवाइडिंग हाई परचेज सॉल्यूशन। अंडरलाइन कर दो, हाई परचेज मतलब आपको किसके बारे में सोचना है, ऊपर वाला टेबल नहीं, जो नीचे टेबल बनाए थे अब उसके बारे में सोचना है। For acquiring the consumer durables, the following information is extracted from its books for the year ended. ये सब डेटा दिया हुआ है, और लास्ट का लाइन पढ़ लो तो पहले क्या लिखा हुआ है? You are required to calculate the amount of additional provision. Additional को बॉक्स कर दो।
मतलब बेसिक प्रोविजन नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे एडिशनल प्रोविजन पूछा था। याद है ना, दो टेबल बनाए थे, बेसिक के लिए इंस्टॉलमेंट चाहिए, इंस्टॉलमेंट इतना, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, वो नहीं करना है आपको, सिर्फ एडिशनल प्रोविजन बनाना है। चलो अब देखते हैं क्या डेट है। एसेट्स नाम दिया हुआ है, इंटरेस्ट ओवरड्यू बट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो पीरियड ओवरड्यू, यही सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपका। अप टू 12 मंथ्स कितना परसेंट, अप टू 12 मंथ्स निल, कुछ भी नहीं होगा। फॉर 24 मंथ्स 10%, फॉर 30 मंथ्स 40, 10% ज्यादा हो जाएगा। फॉर 45 मंथ्स 70%, किसका ये परसेंट किसका लेना पड़ता है, परसेंटेज ऑफ नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो देखो आपको नेट बुक वैल्यू दिया है, यस राइट मोस्ट कॉर्नर में नेट बुक वैल्यू है, मतलब इंटरेस्ट बोल के जो कॉलम दिया वो कोई काम नहीं आएगा आपको। तो हम लोग 5 कॉलम्स बना रहे हैं, एसेट्स का नाम, पीरियड ओवरड्यू, पीरियड ओवरड्यू, नेट बुक वैल्यू, ये 3 कॉलम ले रहे हैं क्वेश्चन से, और 2 कॉलम क्या ऐड करेंगे, परसेंटेज एंड अमाउंट ऑफ प्रोविजन। कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन, 5 कॉलम्स बना रहे हैं, 3 कॉलम क्वेश्चन से ले रहे हैं, एसेट्स, पीरियड ओवरड्यू, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अब ये 2 कॉलम हम लोग ऐड कर रहे हैं, प्रोविजन परसेंटेज ऑफ नेट बुक वैल्यू, अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तीन कॉलम क्वेश्चन का परसेंटेज और अमाउंट जो हम लोग ऐड करते हैं कर दिए। रुपीज इन करोड़, ये लोग ऊपर लिख देते हैं, रुपीज इन करोड़, एलसीडी टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, अप टू 12 मंथ्स, फॉर 24 मंथ्स 30 मंथ्स 45 मंथ्स, नेट बुक वैल्यू लिखना है, इंटरेस्ट मत लिख देना। 20123, 2410, क्वेश्चन ही लिख रहे हैं अभी तक तो, 1280, 68647, 12 मंथ्स तक निल, 24 मंथ्स तक 10%, 24 से 36 के अंदर आ गया ना, तो 40, 36 से 48, 70, 48 क्रॉस नहीं हुआ। राउंड ऑफ मत करो, करोड़ में है डेटा, 1205.9 कंप्लीट है।
नंबर थ्री ऑब्सोलीट लिख दो, ड्यू टू चेंजेस इन लॉ ये सब आउटडेटेड हो चुका है, इसमें आपको मिलेगा एनपीए 14 मंथ्स के बेसिस पे चेक होता है, बट अब एनपीए 14 मंथ्स नहीं हुआ, 12 मंथ्स हो गया, तो ये सब ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट हो चुका है। नंबर थ्री में ऑब्सोलीट लिख दो, अब नहीं करेंगे। नंबर फोर करते हैं हम लोग, ये सम्स है तो नहीं आप लोग का बुक में, लेकिन हम करवा रहे हैं क्योंकि फाइनल में पूछा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जब फाइनल में था तब ये सम पूछा था, तो अब आईपीसीसी में आ गया तो ये सम्स पूछ सकते आप लोग से भी, अदरवाइज डायरेक्टली बुक में नहीं दिया हुआ ये सम इंस्टीट्यूट का। एस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट एंड ऑल्सो डील्स इन हायर परचेज बिजनेस, इट प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेजर हायर परचेज डील्स ऑन 1 अप्रैल 2010, फ्यू मशीन्स वर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, द हायर परचेज प्राइस वॉज सेट एट ₹100 लाख एज अगेंस्ट द कैश प्राइस ऑफ ₹80 लाख, याद है ना हायर परचेज चैप्टर, कौन सा प्राइस ज्यादा होता है, कैश प्राइस क्या हायर परचेज प्राइस, तो हायर परचेज प्राइस ₹100 लाख है और कैश प्राइस कितना है ₹80 लाख। द अमाउंट वॉज पेबल एज ₹20 लाख डाउन, ₹20 लाख डाउन पेमेंट कर देना है, तो ₹20 लाख डाउन पेमेंट कर देंगे तो बैलेंस कितना में देना पड़ेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो टोटल तो ₹16 लाख देना है, अगर ₹20 लाख दे दिए तो बचेगा कितना, 80 बच जाएगा, 80 को 5 बार में देंगे तो ₹16 लाख इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया। द हायर वेंडर कलेक्टेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31 मार्च 2011, पहला इंस्टॉलमेंट तो कलेक्ट हो गया, बट कुल नॉट कलेक्ट, मतलब दो चीज पेमेंट कर दिया, एक वो डाउन पेमेंट पेमेंट कर दिया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, बट कुल नॉट कलेक्ट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विच वॉज ड्यू ऑन 31 मार्च 2012, सेकेंड से डिफॉल्ट हो गया। द कंपनी वॉज फाइनलाइजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012 टिल 15 मे, तो 31 मार्च का अकाउंट फाइनल हो रहा है कब, 15 मे को, द डेट ऑन विच बीओडी साइंड द अकाउंट, द सेकेंड इंस्टॉलमेंट वॉज नॉट कलेक्टेड, सेकेंड इंस्टॉलमेंट उस दिन तक नहीं मिला था, प्रिज्यूम IRR टू बी 10.42%, फुल फॉर्म तो पता ही है, ये डिस्काउंटिंग रेट हो गया हम लोग का, इंटरेस्ट रेट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपको बताना है, शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज द फाइनेंस चार्ज फॉर द ईयर 11-12, फाइनेंस चार्ज को लेना है क्या नहीं लेना है इनकम में, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर एक एक करके, वट शुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को क्या नेट बुक वैल्यू होना चाहिए, कब दिए थे एसेट्स को, 1 अप्रैल 2010 में दे दिए थे क्या, यस 10 में दे दिए थे, तो 2 साल का आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। उसके बाद पूछा है पॉइंट नंबर 3 में, वट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर एनबीएफसी, अमाउंट ऑफ प्रोविजन जो अभी सीख के आए थे ना, बेसिक प्रोविजन, कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुआ, कितना ड्यू हो चुका माइनस इंटरेस्ट, वो अप्लाई करना। बट ये सब का क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपको अपना हायर परचेज वाला जो टेबल बनाते थे ना, वो टेबल बनाना पड़ेगा, क्या क्या लेते थे उसमें, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेड, क्लोजिंग बैलेंस, 6 कॉलमनर टेबल, पहले टेबल बनाते हैं फिर एक एक करके सब आंसर आपको टेबल में मिलेगा। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, हायर परचेज वाला सेम टेबल बना रहे, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, ये फाइनेंस चार्ज कितना रेट से लेने बोल रहे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10.42%, इंटरेस्ट के बाद हम लोग को मिलता था अमाउंट पेबल, और ये आ गया अमाउंट पेड, तो क्या निकल जाएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस। चलो इस टेबल को करते हैं कंप्लीट, कब दिया था, थर्ड लाइन में देखो, 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट पेज में जो थर्ड लाइन है, 1 अप्रैल 2010 से आपको स्टार्ट करना है, रेडी है, फर्स्ट, हाँ तो हायर परचेज में ही तो बेच रहा है, इतना देर से क्या बोल रहे हैं, हाँ तो और इतना देर से क्या बोल रहे हैं, हायर परचेज वाला ही 6 कॉलम बना रहे हैं,
1 अप्रैल 2010, बताओ ये ओपनिंग बैलेंस में हायर परचेस प्राइस आता था क्या कैश प्राइस आता था? कैश प्राइस 80 लाख से स्टार्ट होगा टेबल, नेक्स्ट क्या करना है कैलकुलेट कर ले, सब भूल गए, फर्स्ट दिन का इंटरेस्ट नहीं होता है, अभी तो 1 अप्रैल में है, फर्स्ट दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो अमाउंट पेबल 80 लाख, 20 दिए है ना डाउन पेमेंट, 20, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया 60 लाख, 31 मार्च 2011 ये 60 लाख आ गया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 10.42%, 6.25, तो ये हो गया 66.25। इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज हायर परचेस प्राइस दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, 20 डाउन पेमेंट कर दिया, इसको कितना बार में देना है 5 इंस्टॉलमेंट में, इसलिए 16 लाख, कैलकुलेशन दिखा दिए, 100 रुपीज इज द हायर परचेस प्राइस, आप डाउन पेमेंट 20 कर दिए तो हायर परचेस प्राइस के हिसाब से कितना देना बाकी है 80 लाख रुपया, तो हम लोग कितना रुपया देंगे 16 लाख रुपया, ऑब्वियसली हायर परचेस प्राइस से कैलकुलेट किए, इट मीन 16 लाख इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना बच गया 50.25। चलो अब इस टेबल को थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं स्पीड इंक्रीज करते हुए, ये आ गया 50.25, 10.42 इंटरेस्ट, 5.24, तो ऐड करके आ गया ये 55.49, इसमें कितना पेमेंट कर दो 16, तो बचेगा कितना 39.49। 31 मार्च 2013, 39.49 इंटरेस्ट, 4.11, तो ये आ गया 43.60, तो ये 16 लाख पेमेंट कर दिए, 27.60, लास्ट में जाके अपने आप खत्म हो जाएगा ये। 31 मार्च 2014, 27.60 इंटरेस्ट, 2.87, 30.477, तो 16 चला गया 14.47, याद है ना लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, बैलेंसिंग फिगर लेते हैं मिलाने के लिए, जो लास्ट ईयर तक, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट हम लोग गैप रख के पहले 16 लिख लेते हैं कि टोटल कितना देना है 16, तो डिफरेंस को बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, तो 1.53 कि जब पेमेंट करें तो आपका खत्म हो जाए ये 16, तो ये कितना हो गया 0। रेडी है, कौन सा इंस्टॉलमेंट दे दिया, वो ओनली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, दैट इज ड्यू एंड पेड, और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया बट नॉट पेड, और ये अभी तक नॉट ड्यू, क्योंकि हम लोग 31 मार्च में है 2012 में, देख लो सोच के एक बार पढ़ लो ऊपर जाके, थर्ड लाइन सेकेंड थर्ड लाइन पढ़ो मिल जाएगा आपको, जिस पेज में उस पेज का, द हायर वेंडर कलेक्टेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट कुड नॉट कलेक्ट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विच वॉज ड्यू ऑन 31 मार्च 2012, ये ड्यू एंड पेड है, ये ड्यू बट नॉट पेड, और ये तीन का अभी तक बात ही नहीं हुआ। चलो अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर वन,
व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2011? 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल, तो ये जो 31 मार्च है, कौन सा पूछा है? अप्रैल, 1 अप्रैल यहां आ जाते हैं, 11 पूछा है, तो वो 31 अप्रैल पूछ रहा है ना, 1 अप्रैल 2011, तो 1 अप्रैल 2011 को कितना ड्यू है? तो 1 अप्रैल को कितना ड्यू हो जाएगा? 31 मार्च है तो इसका ओपनिंग आ गया और इंटरेस्ट ऐड होके कितना बन गया है? 50.2। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो 31 मार्च है वही क्या हो गया, एक ही बात है ना, 31 मार्च लिखे वही क्या है, 1 अप्रैल है, तो आपका आंसर कितना होगा? 50.25। चलो लिखते, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2011 इज इक्वल्स टू रुपीज 50.25 लैक्स। एक ही बात है ना, हम लोग 31 मार्च लिखे हैं, 31 मार्च मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल हो गया, 50.25 लैक्स। इसमें अभी एक क्वेश्चन और है, शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज द फाइनेंस चार्ज फॉर द ईयर 11-12? 11-12 मतलब ये वाला, इसमें कितना फाइनेंस चार्ज है? 5.24। अब ये इंस्टॉलमेंट तो दिया नहीं है, बोलता है कि हम लोग को इसको इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम। अगर ये पीए है तो आप बोलोगे रिकॉग्नाइज कर लो, अगर आप ये एनपीए है तो बोलोगे रिकॉग्नाइज नहीं करो, तो बताओ ये पीए है क्या एनपीए है? आपको किस दिन चेक करना है? जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन तक आप पता लगाओ किस दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं, किस दिन फाइनल हो रहा है, 15 मई को। 31 मार्च का वो पेमेंट नहीं दिया, आप कब बैलेंस शीट बना रहे हो? 15 मई। कितना दिन पास हुआ 31 मार्च से 15 मई तक? 1.5 मंथ्स। एनपीए बनने के लिए कम से कम कितना मंथ्स पास होना पड़ेगा? 3 मंथ्स, अगर वो सिस्टमेटिक है तो। अगर आप नॉन सिस्टमेटिक मानोगे तो 6 मंथ, तो अभी तक तो 6 मंथ पास नहीं हुआ है, तो अभी भी वो किस कैटेगरी में है, तो इट मीन्स इनकम विल बी रिकॉग्नाइज ऑन एक्रुअल बेसिस, तो आपको 5.24 को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। सोच लो वापस से, कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस ईयर का तो रिकॉग्नाइज हो गया, प्रीवियस ईयर तो पेमेंट किया है। हम लोग एनपीए किस दिन से देखते हैं? जिस दिन उसका ड्यू हुआ था, तो ड्यू तो लास्ट डेट में होता है, तो लास्ट डेट में मार्च में देना चाहिए, बट अभी कौन सा दिन आया, 15 मई, तो 1.5 मंथ्स ही पास हुआ है, तो इसको आप एनपीए नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको कम से कम कितना टाइम मिलेगा, 3 मंथ्स और 6 मंथ। अगर सिस्टमेटिकली है तो 3 मंथ्स, नॉन सिस्टमेटिक है तो 6 मंथ, तो कोई एक एजम्पशन के साथ, अगर अभी तो प्रेजेंटली कोई भी एज्यूम करो तो आपका आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो देखो क्या पूछा, शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्ज, तो आंसर इज यस, यस द कंपनी कैन रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्ज रुपीज कितना, 5.24 एज इनकम। यस द कंपनी कैन रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्ज रुपीज 5.24 एज इनकम बिकॉज दिस इज परफॉर्म एसेट। हुआ फर्स्ट पार्ट, चलो आ जाओ सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन रीड करते हैं, पॉइंट नंबर टू। व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन 31 मार्च 2012 एज फॉर एसएम लिमिटेड एज पर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बता दो। तो हम लोग कब दिए थे, 10 में, कितना साल बीता है, 2 साल, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से माइनस करना पड़ेगा कितना, 20%। तो चलो लिखते हैं, कितना का था एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना, 100 क्या, 80, 80, 100 रुपया तो हाई परचेज प्राइस है, उसमें तो इंटरेस्ट है, लेस
डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम बाई SLM, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम बाई SLM, 16 16 32, क्या स्ट्रेट लाइन है ना, तो दोनों सेम होगा, तो दिस इज द नेट बुक वैल्यू। हो गया सेकंड पार्ट भी। नाउ थर्ड पार्ट, रेडी है पढ़े। व्हाट शुल बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म बाय RBI? तो बेसिक प्रोविजन प्लस एडिशनल प्रोविजन। चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन, कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन, पहले बेसिक। चलो अब वर्डिंग में जाना ध्यान से। बेसिक प्रोविजन पहले, बेसिक प्रोविजन क्या लिखे थे? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड, कितना रुपीज? यहां आ जाते हैं, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड, कितना रुपीज का इंस्टॉलमेंट है? 16 रुपीज। ड्यू हुआ बट पेड नहीं हुआ, 16 लाख। इसके बाद वो हाँ ले रहे हैं के करके, ड्यू बट नॉट पेड। अब उसके बाद बोलेंगे ड्यू ही नहीं हुआ, तो उसमें कितना आएगा? 3। इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, 16 × 3 कम्स टू 48, ऐड कर लो कितना हो गया, 64। अब इसमें से दो चीज माइनस होते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, अभी तक जो ड्यू नहीं हुआ उसका इंटरेस्ट। तो ये देखो, ये जो सर्कल किए हैं, ये 3 है ना, तो इसी 3 साल का इंटरेस्ट चाहिए। ब्रैकेट में दिखा देते हैं, 4.11, 4.11 प्लस 2.87 प्लस 1.53 कम्स टू 2.8.51। बस वर्डिंग ध्यान रखना है, ये जो इंस्टॉलमेंट इसको लिए थे लेकिन अभी तक इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं हुआ, इसलिए इंटरेस्ट को वापस क्या कर दिए, माइनस। और आपके पास एसेट सिक्योरिटी है तो उसको भी हटा दो। कौन सा वैल्यू लेते हैं? नेट बुक वैल्यू, ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 48। नेट बुक वैल्यू ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये आ गया आपका बेसिक प्रोविजन 7.49। इसको मान लो ए बोल देते, ये रहने दो, ऐड नहीं करना, अलग अलग ही दिखाने बोलते हैं। बेसिक प्रोविजन बस रहने दो, आ गया बेसिक प्रोविजन। अब एडिशनल प्रोविजन इसके नीचे कंटिन्यू करना, हम यहां कर देते हैं एडिशनल प्रोविजन। एडिशनल प्रोविजन कितना इंस्टॉलमेंट, कितना मंथ हो चुका इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हुए, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुए कितना मंथ हुआ है? 1.5, तो मतलब विथ इन 12 मंथ्स है, तो निल, कुछ भी प्रोविजन नहीं बनेगा, विथ इन 12 मंथ्स है, देख लो सोच के। ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट विथ इन किसके अंदर आ गया, 12 मंथ्स, तो देयर फोर रेट ऑफ प्रोविजन मल्टीप्लाई बाई नेट बुक वैल्यू, कितना रेट ऑफ प्रोविजन, 0% इंटू नेट बुक वैल्यू 48
तो कितना आ गया? जीरो। कोई एडिशनल प्रोविजन नहीं बने। लिख के दिखा दिए कि रह जाए। ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट विद इन 12 मंथ्स है, इसलिए जीरो बन रहा है। क्यों जीरो बन रहा है? क्योंकि रेट ऑफ प्रोविजन इनटू नेट बुक वैल्यू लेते हैं, और रेट ऑफ प्रोविजन कितना होगा? 0%, नील। देख लो एक बार, दो मिनट, ऊपर से नीचे तक कुछ अगर डिस्कस करने का। रेट ऑफ प्रोविजन इनटू नेट बुक वैल्यू, तो प्रोविजनिंग नॉर्म इनकम रिकॉग्निशन इस सम्स में अप्लाई हुआ था। थर्ड टॉपिक लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेंटरीज में बनाते थे, एज यूजुअल लोअर ऑफ कॉस्ट फेयर वैल्यू को मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं। बस और कुछ नहीं लिखना है इसके नीचे। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में भी पढ़ते थे हम लोग, इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब याद है इन्वेंट्रीज में हम लोग बात करते थे आइटम वाइज चेक करना है, वैसे यहां पर भी आपको कैटेगरी वाइज लेना है, कैटेगरी वाइज, नॉट ओवरऑल बेसिस। कैटेगरीज वाइज लेना है, नॉट ओवरऑल बेसिस। कैटेगरी वाइज लेना है, नॉट ओवरऑल बेसिस। मतलब ये बोल रहे हैं, मान लो ये कंपनी इक्विटी सेल्स में इन्वेस्ट कर रखा है, इक्विटी सेल्स में बहुत सारा कंपनी का इक्विटी सेल्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और ये कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। पांच जगह इन्वेस्टमेंट है, तीन मान लो कि तीन इक्विटी शेयर्स में अलग अलग कंपनी का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई मान लो इस कंपनी में कर दिया, इस कंपनी में, और दो म्यूचुअल फंड में किया हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि ये ओवरऑल बेसिस पे नहीं जाना है, ओवरऑल नहीं लेना है।
आपको क्या करना है, कैटेगरी वाइज इस तीन को एक साथ ले सकते हो और इस दो को क्या कर सकते हो, एक साथ ले सकते हो। मतलब इस तीनों का एक साथ कॉस्ट देख लो एंड फेयर वैल्यू देख लो, और विच एवर इज क्या कर लो, लोअर। म्यूचुअल फंड इस दोनों का एग्रीगेट कर लो, कॉस्ट देख लो, फेयर वैल्यू देख लो एंड विच एवर इज लोअर। ऑब्वियसली ये म्यूचुअल फंड किसी और कंपनी में इन्वेस्टेड होगा, ये म्यूचुअल फंड किसी और कंपनी में इन्वेस्टेड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एकदम इंडिविजुअली नहीं चाहिए, हम लोग को कैटेगरी वाइज अलाउड है। तो ऑटोमेटिकली मालूम है अगर एक में फायदा हुआ एक में नुकसान हुआ तो दोनों ऑटोमेटिकली क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, है क्या नहीं। एक में अगर फायदा होके रखा है एक में नुकसान हो रखा है तो ऑटोमेटिकली दोनों क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह से इस तीन में हो सकता है कोई में फायदा हो रखा है कोई में क्या हो रखा है, नुकसान, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्या इसका इक्विटी से इसका फायदा नुकसान इसके साथ एडजस्ट हो सकता है, नहीं, उल्टा भी नहीं हो सकता। इटसेल्फ हो सकता है लेकिन दूसरा कैटेगरी के साथ नहीं हो सकता। चलो बुक में ही एग्जाम में, बुक में ही देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। देखने में लगेगा बहुत बड़ा सारा सम से। उषा फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इट मेक्स अवेलेबल टू यू द कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय इट। कॉस्ट दिया हुआ, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तीन कैटेगरी है, एक इक्विटी शेयर्स का कैटेगरी है, दूसरा म्यूचुअल फंड, और थर्ड क्या है। नंबर वन, कैन द कंपनी एडजस्ट द डेप्रिसिएशन ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट विथ इन द कैटेगरी, विथ इन द कैटेगरी अंडरलाइन कर दो, क्या विथ इन द कैटेगरी एडजस्टमेंट हो सकता है। आंसर इज यस, आंसर इज यस, विथ इन द कैटेगरी एक दूसरा के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है। जाके पढ़ के देख लो क्या आंसर लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1। यस, हो सकते हैं। नंबर 2 पूछा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल तो नहीं निकल सकते, आप इक्विटी से इसका देखो, इक्विटी से इसका कितना है, 201 है और 230.80 है, तो इस दोनों में से कौन सा बाहर जाएगा, 201 हो गया इक्विटी से बस। अब जब म्यूचुअल फंड में आओगे तो इंडिविजुअली नहीं चाहिए, 50 है, 36 है, कौन सा आउटर कॉलम में आ जाएगा, 36। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 90 है, 92 है, कौन सा बाहर आ जाएगा, 90। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आ गया सबको मिला के, इक्विटी से इतना है, ये इतना है, देख लो टेबल बनाया हुआ है, आप इसी तरह से बना देना, ये एग्रीगेट मत करो। हाँ, एग्रीगेट मत करो क्योंकि तीनों को अलग अलग दिखाना है आपको। इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना आया, 201, और म्यूचुअल फंड का वैल्यू कितना आया, 36 और 90। एग्रीगेट मत करो, अलग अलग ही रखना है। क्वेश्चन देखो ना, बस 201 लिखा हुआ था, 230 शेयर्स का टोटल, म्यूचुअल फंड का टोटल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टोटल। इज इट पॉसिबल, नंबर 3 रीड कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू ऑफसेट डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड अगेंस्ट द एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन हुआ है म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में जो डेप्रिसिएशन हुआ है, देखो म्यूचुअल फंड का वैल्यू कम हो गया, 50 से कितना हो गया, 36 मार्केट वैल्यू, और बोलता है कि एप्रिसिएशन हुआ इक्विटी से, इसमें इक्विटी से इसका भाव बढ़ गया, क्या एक दूसरा को एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। होमवर्क मार्क कर लो, लिख के करना घर में, हम लोग एक टॉपिक और है उसको कवर कर लेते हैं, तो ये चैप्टर कवर हो जाएगा हम लोग का। बहुत सारा थ्योरी लगाया हुआ है, वो बस ऐसे ही है, आपका मन होगा तो पलटा सकते हो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो, नहीं आता ये सब थ्योरी, नहीं आते। जो बेसिक नॉलेज चाहिए था वो स्टार्टिंग में हम करवा दिए। चलो फोर्थ टॉपिक, लास्ट टॉपिक, कॉम्प्यूटेशन ऑफ ओन्ड फंड एंड नेट ओन्ड फंड। हाँ, जो थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पूछते हैं उसको तो हम इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए थे चैप्टर में। कॉम्प्यूटेशन ऑफ
ओन्ड फंड एंड नेट ओन्ड फंड, कॉम्प्यूटेशन ऑफ ओन्ड फंड एंड नेट ओन्ड फंड। यार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करते थे, बस वही चीज है, वहां कैपिटल फंड बोलते थे, यहां ओन्ड फंड बोलते हैं। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा यहां, थोड़ा सा याद रखने का रहेगा। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कोई भी तरह का फ्री रिजर्व्स, बैंक में याद है स्टैट्यूटरी रिजर्व होता था या नहीं होता है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं आएगा। और एक और क्या होता था, कैपिटल रिजर्व, पांच चीज आता था, कैपिटल रिजर्व यहां पर भी वही है, कैपिटल रिजर्व वही लेना है जो अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एसेट्स को बेचकर कैपिटल रिजर्व आया है तो लेना है। माइनस अगर कोई तरह का एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्चुअली फ्री रिजर्व्स का ही तो पार्ट होता है ना ये, नेगेटिव है इसलिए माइनस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सेम हम लोग बैंकिंग कंपनी में भी करते थे कैपिटल फंड बोल के, अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ये चीज वहां पर भी लिखते थे कैपिटल रिजर्व में, अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और कोई भी तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि होना नहीं चाहिए बैलेंस शीट में, अगर है तो माइनस हो जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पता है ना क्या होता है, कोई एक्सपेंडिचर को हम लोग डिफर्ड कर देते हैं, जैसे पुराने टाइम में एडवर्टाइजमेंट को डिफर्ड किया जाता था, अगर बाई चांस है तो माइनस कर देना। तो ये आपका आ गया ओन्ड फंड, यहां तक जब कैलकुलेशन होगा तो इसको बोलोगे ओन्ड फंड। अब लेस ओन्ड फंड से फिर लेस करेंगे, ऑब्वियसली नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ये आपका ओन्ड फंड आ गया। लेस अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट किया है अपना ही कंपनी में, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी इनसाइड, सुनना इन्वेस्टमेंट ये इनसाइड कॉलम में आया ना, इस अमाउंट में से, इस अमाउंट में से 10% माइनस होगा 10% ऑफ ऊपर जो कैलकुलेट किए ओन्ड फंड, ये माइनस होके यहां जाएगा, फिर ये माइनस होके आपका नेट ओन्ड फंड आएगा, नेट ओन्ड फंड। ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा कि 10% माइनस होते हैं जो लॉ में बोला हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ग्रुप कंपनी, उसमें 10% ये लो अगर समझो तो ये इससे माइनस हुआ है, ये जो जाएगा ये आउटर कॉलम इससे माइनस हुआ है। लेस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी 10% ऑफ ओन्ड फंड, ओन्ड फंड जो ऊपर कैलकुलेट किए थे उसका 10% लेके माइनस करके आउटर में लेके जाओगे, एज इफ कि मान लो ये 1000 आया है, ये मान लो आपका 500 आया है, तो हम बोल रहे हैं इसमें से 10% क्या कर दो, ओन्ड फंड का माइनस कर दो, खुद का नहीं, तो 10% कितना माइनस हो गया 100, तो ये कितना आ गया 400, अब ये कितना आएगा 600, लेस है। इनसाइड में एक माइनस हो रहा है, फिर जो आउटर कॉलम में जाया गया वो भी वापस माइनस हुआ। चलो एक टुक सम्स करते हैं, बस एक ही सम्स है इसका हम लोग के पास, नंबर 6। सम नंबर 6,
कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट ओन फंड। चलो देखो क्या क्या दिया हुआ बैलेंस शीट में। पेड अप इक्विटी सर कैपिटल है, फ्री रिजर्व्स है, लोन डिपॉजिट से मतलब नहीं होता है, लीज्ड आउट एसेट से कोई मतलब नहीं होता है, हाँ जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर, कैश एंड बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, डिफर्ड एक्सपेंडिचर को कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलो अभी जो सिखाएं अप्लाई करके ट्राई करो, तो बताओ क्या आंसर आ रहा है मेरे को, एक एक करके बता देना, ओन्ड फंड कितना आ रहा है, फिर नेट ओन्ड फंड कितना आ रहा है। सिक्स हंड्रेड इसमें से डिफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस हो जाए, कितना रुपीज है डिफर्ड एक्सपेंडिचर, 200। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स 500 रुपया, डिफर्ड एक्सपेंडिचर कितना रुपया है, 200 रुपया, तो कितना आ गया, 600 माइनस 200 400, ये हो गया आपका ओन्ड फंड। लेस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी, कितना रुपीज है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी, इन शेयर्स एंड सब्सिडरी कंपनी इन डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी 200 है टोटल 200। इसमें से अब इनसाइड एक माइनस होगा 10% ऑफ ओन्ड फंड, कितना ओन्ड फंड 40, तो ये 40 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 160। अब ये 160 माइनस होगा तो आएगा कितना, तो ये लो इसका हम लोग का चारों टॉपिक कवर्ड हो गया। अब वो एक्स्ट्रा थ्योरी ऐसे ही लगाया हुआ है कि बुक अच्छा लगे देखने में, जस्ट नॉलेज चाहिएगा तो पलटा सकते हो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी एंड 10% ऑफ ओन्ड फंड, कोई भी चेक इन्वेस्टमेंट हो चाहे शेयर्स में हो चाहे डिबेंचर्स में हो। हो गया कंप्लीट? पांच दस मिनट आप लोग बैठ के दोनों होमवर्क को कंप्लीट कर लो, बेटर रहेगा। अभी अभी बहुत टाइम है अभी आप लोग के पास, तो दो समझो होमवर्क मार्क किए थे। हाँ बस हो गया ये चैप्टर।